हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CIA ट्रेड के बारे में। CIA ट्रेड जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे CSS जर्नी के अंदर, CSS के सिलेबस के अंदर। CIA ट्रेड बेसिकली, CIA को अगर हम डिफाइन करें तो CIA स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। अब तक हमने जितनी भी वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है, उन सभी के अंदर हमने एक बेसिक चीज़ सीखी कि हम अपने इन्फॉर्मेशन को स्टोर कैसे करेंगे। और CIA ट्रेड जो है बेसिकली CSS के अंदर, यानी कि कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंदर, कैसे हम अपने इन्फॉर्मेशन को मेंटेन कर सकते हैं और किन किन प्रोसेस के अंदर जो है हम उन इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। बेसिकली वो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास प्रेजेंट है, उनको हम किस तरीके से जो है सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं एंड मैनिपुलेट कर सकते हैं, ताकि वो हमारे सिस्टम के अंदर सिक्योर रहे एंड ओवर द नेटवर्क जो है उसका डेटा कहीं पे भी लीक ना हो या फिर थेफ्ट ना हो। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट आता है वो आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी जैसा कि नेम से ही हमें एंश्योर हो रहा है, दैट कॉन्फिडेंशियलिटी इज एंश्योरिंग दैट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ओनली टू द इंटेंडेड ऑडियंस। कॉन्फिडेंशियलिटी को अगर मैं लेमन लैंग्वेज में या नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आपको एक्सप्लेन करूँ, तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मीनिंग होता है कि जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ उन्हीं ऑडियंस के पास, उन्हीं पर्सन के पास अवेलेबल हो जो कि ऑथराइज्ड है या फिर इंटेंडेड है। यहाँ पे ऑथराइज्ड और इंटेंडेड ऑडियंस का मीनिंग है कि अगर सपोज मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड हूँ, तो जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन है वो जो है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन्स के ही पास हो, और किसी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन के पास या आउटसाइडर के पास वो मेरी इन्फॉर्मेशन ना हो ऑर्गेनाइजेशन की। तो वो जो मेरे पर्सन्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, उन्हें हम बोलेंगे इंटेंडेड ऑडियंस या फिर ऑथराइज्ड ऑडियंस। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मीनिंग होता है कि कैसे हम अपने इन्फॉर्मेशन को एक सर्कम फ्रेंड्स के अंदर जो है अवेलेबल कर सकते हैं कि वो एक लिमिटेड पर्सन्स के पास, लिमिटेड इंटेंडेड पर्सन्स के पास जो है अवेलेबल हो। सेकेंड आता है इसके अंदर हमारा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इज प्रोटेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बीइंग मॉडिफाइड बाय अनऑथराइज्ड पार्टीज। तो इंटीग्रिटी के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो मॉडिफाई ना हो सके, वो अपडेट ना हो सके बाय अनऑथराइज्ड पार्टीज। थर्ड और लास्ट जो हमारे इस वीडियो का टॉपिक है या फिर पार्ट है हमारे CIA ट्रेड का, उसे हम बोलते हैं अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी के अंदर क्या होता है, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो कंसिस्टेंटली और रीडिली एक्सेबल होनी चाहिए हमारी ऑथराइज्ड पार्टी को। सपोज हमारे पास कुछ लिमिटेड या फिर कुछ सपोर्टिव अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, और वो जो इन्फॉर्मेशन है मेरी एक ऑथराइज्ड पार्टीज या फिर मेरे वो ऑथराइज्ड पर्सन, मेरे वो इंटेंडेड ऑडियंस जो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती है, उन सभी के पास जो है कंसिस्टेंटली अवेलेबल होनी चाहिए, और वो सभी जो है उनको इजीली एक्सेस कर सके, उस इन्फॉर्मेशन को रीड कर सके, उस इन्फॉर्मेशन को राइट कर सके, और उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी टास्क है वो सभी जो है हमारी ऑथराइज्ड पर्सन, ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऑथराइज्ड पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं, जितनी भी ऑडियंस है, उन सभी को जो है इजीली एक्सेसिबल हो, सो दैट वो इन सभी इन्फॉर्मेशंस के टास्क को परफॉर्म कर सके। सो CIA ट्रेड को अगर मैं एक बार फिर से हमारे शॉर्ट टर्म के अंदर अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूँ, तो कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर हम क्या होगा, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है उसे हम इंटेंडेड ऑडियंस को दिखाएंगे। इंटीग्रिटी के अंदर हमारी इन्फॉर्मेशन को हम मॉडिफाई होने से प्रोटेक्ट करेंगे बाय द हैकर्स और बाय अनऑथराइज्ड पार्टीज। एंड एट लास्ट अवेलेबिलिटी के अंदर हमें क्या करना है, हमारी इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल करना है, सो दैट हमारी ऑथराइज्ड पार्टी जो है वो उसे इजीली एक्सेस कर सके।